गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी कक्षा 9 की पुस्तिका स्पर्श भाग प्रथम का गद्य भाग 5 संख्या 2 दुख का अधिकार, जिसके लेखक या जिसके कहानीकार यशपाल हैं। इस कहानी को हम सार सहित पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं दुख के अधिकार कहानी के लेखक यशपाल का जीवन परिचय, जिसे आप जानने का प्रयास करें। यशपाल का जीवन काल 1903 से लगाकर 1976 तक रहा। यशपाल का जन्म फिरोजपुर चावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई, यानी लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यशपाल की प्रमुख कृतियां यानी प्रमुख पुस्तकें देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी, उसकी बात, ये सभी इसके उपन्यास हैं। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये सभी एक कहानी संग्रह और एक सियावलोकन जो है, जो उनके द्वारा आत्मकथा रचित है। मेरी और तेरी, उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल की कहानियों में कथा का रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पेना माने तिरछा जिसे कहा गया कि व्यंग्यनात्मक कहानियों की भी उनकी एक विशेषता है। यशपाल यह मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, वह है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता, यानी समाज में उसके पास समानता हो, भले ही मिले हो, लेकिन उसके पास यदि उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो उसको समान रूप से दर्जा नहीं प्राप्त होता। इसलिए उन्होंने सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता को भी समाज में एक उन्नत बनाने का रास्ता माना। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिजक प्रयोग किया है, यानी अपनी भाषाओं के साथ साथ उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी उन्होंने अपनी कहानियों में प्रयोग किया है। तो आइए हम जानते हैं, ये हमारे लेखक कहानीकार यशपाल का जीवन परिचय था। उन्होंने अपने जीवन काल में किस प्रकार से अपनी साहित्यिक रचना की, उसके साथ उनके द्वारा साहित्यिक रचनाओं की पुस्तकों का भी आलेख किया गया। आइए अब हम चलते हैं हमारे कहानीकार द्वारा लिखित दुख का अधिकार कहानी का मुख्य सार किया। इस कहानी के अंतर्गत लेखक ने एक ऐसे समाज को बताने का प्रयास किया है जो एक उच्च वर्ग से संबंध रखता है, दूसरा संबंध निम्न वर्ग से संबंध रखता है। तो देखिए, इस समाज के मध्य जो अंधविश्वास है और अंधविश्वास के कारण जो ऊंच और नीच के बीच की जो खाई है, उसको भी इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताने का प्रयास किया है। इस कहानी के अंतर्गत मानवीय गुणों के साथ साथ में मानव के द्वारा अमानवीय गुणों का भी आलेख किया गया है। उसके साथ साथ गरीब व्यक्तियों की मजबूरी को भी बताने का प्रयास किया है कि जब गरीब के साथ कोई इस प्रकार का दुख आ जाता है तो किस प्रकार उसको दुख सहन करना पड़ता है, वो भी इस कहानी में लेखक ने बताने का प्रयास किया। लेखक ने इस कहानी के अंतर्गत ऐसी तो संभ्रांत महिलाओं का भी आलेख किया है जो एक गरीबी से संबंध रखती हैं, दूसरा अमीरी से। तो देखिए, उन दोनों महिलाओं को समान रूप से दुख की प्राप्ति हुई,
यानी पुत्र के वियोग की या अपने पुत्र के मरने का जो दर्द मिला, पीड़ा मिला, उस पीड़ा के कारण उन दोनों महिलाओं को किस प्रकार उस दुख को सहन करना पड़ा, उसका भी इस कहानी के अंतर्गत बहुत बढ़िया ढंग से कहानीकार ने लोगों की समाज में विषमता को बताने का प्रयास किया है। कहते हैं इस कहानी के अंतर्गत जब गरीब महिलाओं को किसी दुख का की प्राप्ति होती है तो किस प्रकार से महिला अपने पुत्र के वियोग में तड़पती है और किस प्रकार से दुख को बतलाने या जतलाने का प्रयास करती है। उसी तरह दूसरा एक और ऐसी संभ्रांत महिला जो अमीर घर से संबंध रखती है जिसके कारण वह अपने पुत्र के वियोग को किस प्रकार से लोगों के सामने प्रदर्शित करती है या अपने दुख या अपने पीड़ा को किस प्रकार से प्रकट करती है, वो भी इस कहानी के अंतर्गत कहानीकार ने बहुत ही बढ़िया ढंग से बताने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ कहानीकार ने ऐसे लोगों को भी बेनकाब करने का प्रयास किया है जो समाज में जीते हैं, जो दूसरे लोगों पर सिर्फ व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग करके उसको दुख या पीड़ा पहुंचाने का कार्य करते। तो ऐसे भी इस कहानी के अंतर्गत अनेक लोगों की करणी को बताने का प्रयास किया है। तो आइए हम जानते हैं इस दुख के अधिकार कहानी में किस प्रकार से इस व्यंग्यपूर्ण रचना के तौर पर इस कहानीकार ने समाज में मिली विषमताओं को दूर करने के लिए लोगों को किस प्रकार आग्रह करने का प्रयास किया है, जो इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस कहानी को पढ़ने का प्रयास करते हैं। उस कहानी के माध्यम से आम जन को क्या संदेश देना चाहती है इस कहानी के माध्यम से, उसको भी इस कहानी के सार के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले आप पाठ्यपुस्तक को खोलें, पाठ्यपुस्तक को ध्यान से सुनने का प्रयास करें, क्योंकि इस कहानी का क्या सार बनता है जो इस कहानी के मध्य पढ़ते हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। पाठ का शीर्षक है दुख का अधिकार। कहानीकार कहते हैं कि मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्राय पोशाक की समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करता है। पोशाक माने पहनावा, अमीरी और गरीब की ओर आलिंग करने का प्रयास किया है। वह हमारे लिए अनेक बंद रास्ते भी खोल देती हैं, परंतु कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। अनुभूति से तात्पर्य एहसास कि कई बार हमें हमारी पोशाक गरीबी के पास जाने से रोक लेती है, या वही कहानी का बताने का प्रयास कर रहा है। उस समय यह पोशाक की बंधन और अड़चन यानी बाधा बन जाती है, जैसे वायु की लहरें में कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोक सकती है। यानी कहानीकार ने कटी हुई पतंग का उदाहरण देकर समाज को बतलाने का प्रयास किया। जिस प्रकार से पतंग हवा के अंदर कट जाती है यानी अपने धागे से अलग तो हो जाती है, लेकिन हवा के झोंके के कारण वह वायु में ही तैरती रहती है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर देखिए कहा गया कि जिस प्रकार की पतंग की तरह जब हमारे समाज के कुछ लोग, उस श्रेणी के लोग गरीब लोगों की सहायता करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो पोशाक है, उनका एक समाज है अमीरी, वो वहाँ तक पहुँचने नहीं देता। कहते हैं कि बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ माने आधी उम्र से ज़्यादा हो, जिसकी उम्र 40 वर्ष से ऊपर हो, उसको अधेड़ कहा जाता है। अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाले तो कपड़े में मुँह चिपाए सिर को घुटनों पर रखे फबक फबक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग गणना से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही वैदान बन खड़ी होगी। तो देखिए यहाँ पर लेखक ने उस गरीब महिला का आलेख यानी बतलाने का प्रयास किया है, जो महिला घर से खरबूजे बेचने के लिए बाजार के फुटपाथ पर आ पहुँचती हैं, लेकिन
वह किसी दुख और पीड़ा के कारण किस प्रकार से अपनी व्यथा को बतलाने का प्रयास करी है उसको यह लेखक ने बताने का प्रयास किया है, लेकिन लेखक स्वयं उस संभ्रांत महिला के दुख को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि मेरी पोशाक वहाँ तक पहुँच बनाने में बिल्कुल कमज़ोर पड़ रही है। आगे कहते हैं कि एक आदमी ने गरणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता, और ये बेहिया दुकान लगा के बैठी है। बेहिया से तात्पर्य बेशरम कहा गया। वह कहते हैं कि इसका पुत्र मरे हुए एक दिन भी नहीं हुआ है और वापस आके दुकान पर बैठ गई। दूसरे साहब अपने दाढ़ी खुजलाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। बरकत से मतलब होता है वर्दी या लाभ देता है, कि जैसे लोग जिसकी नीयत है वैसा उसका फल मिलता है। लेकिन यहाँ देखिए संभ्रांत महिलाओं को किस प्रकार की दुख की पीड़ा को झेलना पड़ रहा है उसको बताने का प्रयास किया है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजलाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं और इनके लिए बेटा बेटी खसम लगाई पति और पत्नी, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लालाजी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो पर दूसरों के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का चुतक होता है, यानी किसी की मूर्ति हो जाती है तो 13 दिन तक उसके घर पर कोई किसी प्रकार का देवी देवताओं की पूजा अर्चना नहीं होती और सिर्फ उनके घर पर पीड़ा और व्यथा से संबंधित ही कार्यक्रम होते हैं, इसलिए यहाँ पर 13 दिन का चुतक शब्द का प्रयोग किया गया। और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। हजार आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में चुतक है, कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या आदेश है, क्या कैसी करनी है। पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 बरस का जवान लड़का, घर में उसकी बहू पोता पोती है, लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह कर रहा था। कचियारी माने खेत, सब्जियां उगाने के लिए कहा गया है, निर्वाह माने होता है भरण पोषण करता था। खरबूजों की डलियां बाजार में पहुंचा कर कभी लड़का स्वयं सौदे माने बेचता या सौदे के पास बैठ जाता और कभी माँ बैठ जाती, कभी स्वयं लड़का बेचता कभी उसकी माता बेचती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे यानी सुबह के समय को कहा गया, मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था या तोड़ रहा था तो किली मेड से मतलब कहते हैं जमीन का जो भाग जहाँ पर मेड़बंदी की जाती है या उसकी एक दीवार बनाई जाती है उसको कहा गया कि गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली माने पागल सी हो गई और ओझा को बुला लाई। जाड़ना और फूकना हुआ, नाग देवता की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया, यानी घर में जितना भी अनाज था उसने अपने बेटे की नाग पूजा के अंतर्गत सारा दे दिया। माँ बहू और बच्चे और भगवाना जो इस बुढ़िया का पुत्र है भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला, यानी उसकी मृत्यु हो गई। सर्प की विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी कहते हैं कि जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए उसके लिए तो बजाज की दुकान बजाज से कपड़े की दुकान वाला कह सकते हैं या जो भी दुकानदार होगा उसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों जिस चन्नी ककना भी क्यों न बिक जाए, यानी उसके माँ के गहने भी क्यों न बिक जाए, लेकिन हमें उसके लिए कपड़ा लाना अनिवार्य होगा। भगवान परलोक चला गया। घर में जो कुछ चुनी भूसी माने थोड़ा बहुत रुका सूखा
सो उसे भी विदा करने में चला गया, यानी उसकी विदाई करने में या उसके दाह संस्कार के अंतर्गत चला गया। बाप ने रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था, यानी उसकी बहू को भी बुखार आ चुका था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवनी चवनी भी कौन उधार देता, यानी उसका बेटा चला गया और बेटे चलने के बाद बुढ़िया किसी से उधार मांगे तो भी कौन देगा। कहते हैं बुढ़िया रोते रोते आके पोछते पोछते भगवान आके बटोरे खरबूजे डलियां में समेट कर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर को घुटनों पर टिका हुए फबक फबक पर रो रही थी। यानी घर से खरबूजे लेकर तो बेचने के लिए वह आ गई थी, लेकिन वह अपने मन की पीड़ा को शांत नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह वहाँ पर आकर बैठ कर वह फबक फबक कर रो रही थी। कहते हैं कि कल जिसका बेटा चल बचा, आज वो बाजार में सौदा करने चली है। हाय रे पत्थर दिल, उस महिला के लिए कहे गए लोगों के द्वारा शब्द। कहते हैं कि उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस के पुत्र की मूर्ति में दुखी माता की बात सोचने लगा। लेकिन कहते हैं कि मैंने एक इस गरीब महिला को देखा है, दूसरी वह महिला जो मेरे पड़ोस के अंतर्गत उसके भी एक पुत्र की मूर्ति हो गई थी, उसके बाद उस दुख को और इस दुख को हमें एक तरह से समालोचन करने का प्रयास करता कि किस प्रकार से एक ही संभ्रांत महिला जिसको दुख की प्राप्ति होने के उपरांत भी उसको दुख जतलाने का समय नहीं मिल पा रहा है। वे कहते हैं कि वह संभ्रांत महिला पुत्र की मूर्ति के बाद अढ़ाई मास तक पलंग से उठ न सकी, यानी अमीर महिला ढाई महीने तक वह पलंग पर लेटी रही। उसी 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग में मूर्छा आ जाती, यानी जब भी उसको पुत्र की याद आ जाती तो वह बेहोश हो जाती। लेकिन उसके हरदम उसके पास उसकी रखवाली के लिए उसके घर के परिचित लोग तथा वहाँ पर डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध थी। आंखों से आंसू न रुक सकते थे, दो दो डॉक्टर हरदम सिराने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठते थे, यानी हर कोई व्यक्ति उनके पुत्र के मूर्ति के उपलक्ष्य में या उसके मूर्ति होने पर वे सभी दुख जतलाने के लिए वहाँ पहुँच जाते। जब मन को सुध का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते, उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राज चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था, सोच रहा था। लेकिन कहते हैं मैं उस महिला और इस महिला के दोनों के दुख को सोचते समझते हुए मैं अपने उस रास्ते पर चल पड़ा रहा था, लेकिन मैं मन ही मन में सोच रहा था। क्या सोच रहा था, कहते शोक करने और गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। वे कहते हैं कि पीड़ा जो मूर्ति के उपरांत जो शोक होता है उसको जतलाने के लिए या उसको व्यक्त करने के लिए भी हमें एक तरह की सुविधा मिलनी चाहिए, दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो लेखक ने इस कहानी के अंतर्गत दो महिलाओं का भी आलेख किया गया है, उसके साथ साथ इस कहानी में लोगों के मध्य जो एक तरह का जो विभाजित करता है अमीरी और गरीबी दोनों का भी इसमें बताने का प्रयास किया। कहानी को पूर्ण रूप से उन्हें व्यंग्यात्मक रचना के रूप में बताने का प्रयास किया। तो देखिए इस कहानी के अंतर्गत कहानीकार ने हमें समाज के अंतर्गत पनपती विषमताओं को भी बताने का प्रयास किया कि हम एक मनुष्य जाति होने के उपरांत भी हमारे बीच जो अमीरी और गरीब की जो खाई है वह खाई किस प्रकार से हमें एक दूसरे के मध्य दूरियां बढ़ाती है, उस दूरियों को भी इस कहानी के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ कहानीकार ने इस कहानी के माध्यम से सभी लोगों को इस तरह की जो हमारे बीच की जो दूरियां हैं उसको कम करने के लिए प्रेरित करने का भी इस कहानी के प्रयास किए। धन्यवाद।